घर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जब हम रोज़मर्रा के काम करते हैं ना, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो रोज़ आती ही रहती हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम का अपने एक्सपीरियंस से सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी होम मेकर हैं तो आप इस वीडियो को खुद से रिलेट कर पाएंगे। गर्मियों में एक कॉमन सी सब्जी हम सभी के घर आती है, जो कि है भिंडी। और भिंडी बहुत लोगों को तो पसंद होता है, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी लसलसी सी बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी लसलसी सी ना बने, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने, तो भिंडी को ना कभी भी ढक के मत भूनिए। जब भी हम सब्जी को फ्राई करते हैं ना, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कभी कभी ढक देते हैं। तो स्पेशली भिंडी को कभी भी ढक के नहीं भूनना चाहिए, इससे आपकी भिंडी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी तो बनेगी ही, साथ ही साथ जिसको नहीं पसंद है ना, उसको भी भिंडी पसंद आने लगेगी। जब भी हम किचन में जाते हैं ना, हम लोगों का टारगेट होता है कि खाना जल्दी जल्दी बना ले, बट ये जल्दी जल्दी वाला टाइम ना बहुत लंबा चला जाता है। तो एक टिप देने वाली हूँ, अगर आप लोग दाल चावल खाते हैं दोपहर में, तो ये नॉर्मली गलने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। बट अगर आप ब्रेकफास्ट बनाते टाइम ही दाल चावल को भिगा के रख देंगे और फिर आफ्टरनून में इसे बनाएंगे ना, तो 7 से 10 मिनट के बीच में आपका दाल चावल बनके रेडी हो जाएगा, और साथ ही साथ होगी गैस की भी ढेर सारी बचत। जब मैंने होम मेकिंग शुरू की थी, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि किसी दिन खाना ज़्यादा बन जाता था, किसी दिन कम बन जाता था। तो ऐसी प्रॉब्लम जो न्यू होम मेकर्स हैं या बिगनर्स हैं, उनके साथ होती है। तो आप क्या करना है, आपको जो चावल है और आटा है, उसके कंटेनर में ना एक ऐसा कटोरी रख लेना है, बोल रख लेना है, जिससे आपको मेज़र करके ही बनाना है। मीन्स आपकी फैमिली को एक कटोरी चावल में हो जाता है या डेढ़ कटोरी चावल में हो जाता है। तो ऐसे आपको देखिए, अगर आप जल्दीबाजी में भी रहेंगे ना, हड़बड़ में भी ना, आपका खाना ज़्यादा नहीं बनेगा, ना तो कम बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस कटोरी को इसी कंटेनर में रहने दे, ताकि कोई और भी यूज करे तो उसको भी मेज़रमेंट का आइडिया हो, और आप रफली भी बता दें कि हाँ एक कटोरी चावल ले लो तो हो जाएगा हमारा। तो ये बहुत ही काम का टिप है, जो कि मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया था, बट अब मैं इसको बहुत अच्छे से यूज करती हूँ और बिल्कुल भी मेरा काम नहीं बिगड़ता है। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं ना, तो लहसुन तो यूज करते ही हैं। तो लहसुन को छीलने में ना हमारे 15 से 20 मिनट वेस्ट भी होते हैं, और थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, क्योंकि इसका छिलका ईजिली उतरता नहीं है, और छीलते छीलते जो उंगलियां होती हैं वो लसलसी सी चटचटी सी होने लगती हैं। तो मैं यहाँ एक टिप बताने जा रही हूँ, जिससे आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल ही जाएगी। लहसुन को हमेशा फ्रिज में रखें। मैं भी लहसुन को फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, जिससे इसका छिलका जो होता है वो 5 मिनट में निकल जाएगा, और 5 मिनट में आप उतना ही लहसुन छील पाएंगे जितना कि आप 20-25 मिनट में छील पाते थे, और वो भी बिना इरिटेशन के। और कई लोगों को यहाँ पे मिथ होगा कि लहसुन को अगर हम फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में से स्मेल आने लगती है, तो जी नहीं, मैं कई सालों से लहसुन को फ्रिज में रखती हूँ, कोई स्मेल नहीं आती है। हम होम मेकर्स अपने घर को तो हमेशा चमकाने की कोशिश करते ही रहते हैं, बट उसी तरह हम अपने आप को भी चमकाएं, अपने फेस को भी चमकाएं, तो क्या ही बात होगी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ गर्मियों के लिए परफेक्ट दही बेसन और हल्दी का फेस पैक, जिसको कि हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नॉर्मली ये मैं सुबह में अप्लाई करती हूँ, बट आज सुबह में कुछ काम आ गया था, तो मैं इसको शाम में अप्लाई करूँगी। और देखिए, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना है। अगर सुबह में वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आप शाम वाले इवनिंग वाले स्लॉट में वो काम कर लीजिए। अपने स्किन के लिए, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
देखिए फेस पैक पूरे फेस पे और फ्रंट साइड नेक पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अब ये जब तक सूखेगा 15-20 मिनट, इतने में मेरा थोड़ा बहुत इवनिंग का जो काम होता है वो भी मैं कर लूँगी। तो देखिए ना, साथ साथ काम भी हो गया और जो हमारी स्किन है उसके लिए भी थोड़ा सा नरिशमेंट मिल गया। पहले मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि देखिए जब भी चाशनी वाली मिठाइयाँ मेरे घर पे आती थी ना, तो उसमें से शुगर सिरप डब्बे में से लीक होने लगता था, मीन्स चाशनी लीक होने लगती थी। और फिर डब्बे को हम जहाँ पे रखें, चाहे फ्रिज में रखें, चाहे टेबल पे रखें या प्लेटफॉर्म पे रखें, वहीं पे वो चिपचिपा सा अपना जो चाशनी था वो गिर जाता था और चट 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 सा करने लगता था। तो इस प्रॉब्लम से मुझे निजात मिला। मैं यूज करती हूँ अब, तुरंत ही मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ऐसे प्लास्टिक के लंच बॉक्स में। किसी भी टाइप का आपके पास लंच बॉक्स हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, ग्लास का हो, ऐसे शुगर सिरप वाली चाशनी वाली मिठाइयों को तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरे डब्बे में। और इसको आप चाहे जितना भी हिलाइए डुलाइए, कहीं से भी इसमें लीकेज नहीं आएगा। ये बॉक्स तो एयर टाइट है और ये मेरे बेटे का पुराना लंच बॉक्स है जो कि आप यूज नहीं करता है। तो आप लोगों के घर भी ऐसा लंच बॉक्स जरूर होगा जिसको कि आप इजीली यूज में ले सकते हैं मिठाइयों को स्टोर करने में। लंच का ना काफ़ी सारा खाना बच गया है जो कि हम डिनर में यूज करेंगे, बट फिर भी डिनर में कुछ डिफरेंट बनाना है जो कि ज़्यादा हैवी भी ना हो और इजीली बन भी जाए, और मतलब खाने में भी उसको जो भी चीज़ हमारे पास बची हुई है उसको कॉम्प्लीमेंट भी करें। तो आज मैं बना रही हूँ, ये बैगन है जिसको मैंने हाफ ले लिया है। बैगन का एक टाइप का भाजा बोलिए या पकौड़ा बोलिए, बट डिफरेंट तरीके से बनेगा। बैगन भी है, परवल भी है। तो बैगन को देखिए मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। आप किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं, राउंड शेप में, या राउंड को बीच से हाफ कर लीजिए। कैसे भी शेप में कट करिए, टेस्ट वही आने वाला है। और परवल को ऐसे मैंने लंबाई में चार भाग कर लिए हैं। अब इसके लिए बनाऊंगी मैं एक मसाला जो कि इसमें थोड़ा सा लपेटा जाएगा, और एक घोल जिसमें कि इसको डिप किया जाएगा। मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच है, 2 चम्मच भुना जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा हल्दी है। साथ में ही है यहाँ पे 4 से 5 चम्मच बेसन, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के इसका घोल बना लूँगी। और मैं भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालना है, ज़रा सा अजवाइन भी डालना है जो कि मैंने बाद में ऐड किया है। तो और इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। देन हम इस पे देखिए ऐसे मसाला लगाएंगे एक एक टुकड़े को लेके, और फिर हम इसको करेंगे जो बेसन का हमारा घोल है उसमें डिप करेंगे। और जब हम मीठा सोडा डालते हैं ना, खाने वाला सोडा, तो उससे क्या होता है, हमारे पकौड़े वगैरह फूले फूले से बनते हैं। और ये फिर सूजी है मेरे पास, सूजी में मैंने थोड़ा सा उसको लपेटा, और हम कर लेंगे मीडियम फ्राई इसको। जब भी आप सोडा डालें ना बेसन में, तो मीडियम या हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए। नॉर्मली मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए, क्योंकि लो फ्लेम पे ना वो तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और अच्छे से सिकता नहीं है। जब थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाए तब आप फ्लेम लो कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डिफरेंट तरीके का बैगन का भाजा और परवल का भाजा बनके रेडी हो गया है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, दाल चावल बना हो या कुछ और बना हो, और सिंपल सा कुछ खाने का मन है ना उसके साथ, तो ये बहुत ही परफेक्ट लगता है। और इस ब्लॉग को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Never the sky, never we shine from the top. We're gonna be two hearts running wild.